भारत और फिलिस्तीन के संबंधों के बीच बहुत उन्नति देखी जा रही। पिछले कुछ सालों में जब भारत के इजराइल से संबंध बने, तब भी भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। इस बीच खबर आ रही कि गाजा में जारी प्रदर्शन के बीच भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी को 25 लाख डॉलर की आर्थिक मदद जारी की है। साल 2024-25 में भारत की ओर से फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए ये पहली किस्त जारी की गई है। भारत इस साल UNRWA के जरिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 50 लाख डॉलर की मदद करेगा, जिसके अनुसार 25 लाख डॉलर की ये पहली किस्त है। खास बात यह है कि भारत लगातार फिलिस्तीन की मदद करता आया। पिछले साल भी भारत की ओर से फिलिस्तीनी शरणार्थियों की 50 लाख डॉलर की मदद की गई थी। गौरतलब है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के UNRWA की ओर से न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की ओर से सालाना 2024-25 में भी 50 लाख डॉलर की मानवीय मदद देने का ऐलान किया गया था। साल 2023-24 तक भारत की ओर से फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए 3.5 करोड़ डॉलर की मानवीय मदद भेजी जा चुकी है। बता दें कि भारत की ओर से ये सहायता राशि सीधे फिलिस्तीनी प्राधिकरण को न सौंपकर संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी को सौंपी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी साल 1950 से ही पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए राहत और मदद का कार्य करती है। कई देश अपनी इच्छा से इस एजेंसी को मानवीय मदद के लिए पैसे भेजते हैं, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। पिछले साल भी भारत की ओर से इस एजेंसी को 50 लाख डॉलर की मदद दी गई थी, जिसकी 25 लाख डॉलर की पहली किस्त नवंबर 2023 में तो 25 लाख डॉलर की दूसरी किस्त दिसंबर 2023 में जारी कर दी गई थी। हालांकि गाजा में इजराइल हमास का युद्ध जब जारी होता है तो एजेंसी के लिए कामकाज कर पाना मुश्किल होता है। उसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी युद्ध की मार झेल रहे लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि इजराइल की नाकाबंदी की वजह से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता से भरे ट्रक पहुंचने में काफी मुश्किल होती है। इसी वजह से गाजा में लोगों का जीवन और ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। बता दें, इससे पहले 22 अक्टूबर को भारत ने लगभग 6.5 टन चिकित्सीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री फिलिस्तीन भेजी थी। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान ये रसद लेकर मिस्र के ई आयरिस एयरपोर्ट पहुंचा था। वहां से ट्रकों के जरिए ये सामान गाजा पहुंचाया गया। इस सामान में दवाइयों, सर्जिकल सामान के अलावा तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, पानी साफ करने की दवाइयां जैसे जरूरी चीजें शामिल थी। खैर, देखना तो ये होगा कि भारत ने जिस तरह से फिलिस्तीन की मदद की है, उसके बाद फिलिस्तीन किस तरह से भारत का शुक्रिया अदा करता है। आपका क्या कुछ कहना है? भारत ने जिस तरह से फिलिस्तीन की मदद की, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।